आप में से जो कार्यकर्ता भाई ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं, जो गांव से आए हैं, उनको भी स्वदेशी आंदोलन चलाना है। उनको स्वदेशी आंदोलन क्या चलाना है? अपने गांव में विदेशी कंपनियों की सबसे ज्यादा बिकने वाली जो चीज है वो है रासायनिक खाद, जिसको हम यूरिया कहते हैं, डीएपी कहते हैं, सुपर फॉस्फेट कहते हैं, और रासायनिक कीटनाशक जिसको एंडोसल्फान कहते हैं, मेलाथियान कहते हैं, पैराथियान कहते हैं, बेंजीन हेक्साक्लोराइड कहते हैं। तो ये विदेशी कंपनियों के कीटनाशक और रासायनिक खाद ये किसानों के बीच में सबसे ज्यादा खरीदी जाती है, और एक साल में 4,80,000 करोड़ रुपए की खरीदी जाती है रासायनिक खाद और कीटनाशक। माने हमारे किसान हर साल रासायनिक खाद और कीटनाशक खरीदकर विदेशी कंपनियों को 4,80,000 करोड़ रुपए दे रहे हैं, यह भी हमको बचाना है। तो क्या करना है? किसानों को जब समझाना है जाकर गांव गांव में कि भैया ये रासायनिक खाद विदेशी है, ये मत डालो। तो किसान पूछेगा क्या डालें? तो उससे कहो गोबर की खाद डालो, ये रासायनिक खाद मत डालो। तो किसान पूछेगा जी गोबर की खाद में फायदा कम है, रासायनिक खाद में फायदा ज्यादा है? तो उसको बड़े प्रेम से समझाना है कि गोबर की खाद में ही फायदा ज्यादा है, रासायनिक खाद में फायदा तो बहुत कम है, क्योंकि रासायनिक खाद बहुत महंगी मिलती है। पहले एक कट्टा रासायनिक खाद मिलती थी 70 रुपए में, अब एक कट्टा रासायनिक खाद मिलती है 250 रुपए में, 300 रुपए में, 350 रुपए में, और कभी कभी ब्लैक हो जाए तो 500 रुपए में यूरिया। और हर साल कीमत बढ़ती जाती है, क्यों? क्योंकि ये रासायनिक खाद बनती है उन वस्तुओं से जिनको पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कहा जाता है, और सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जिसको नेफ्था कहते हैं वो विदेशों से आता है, इसका पैसा पूरा विदेश में जाता है। किसानों को समझाइए ये कि बहुत महंगी पड़ती है, और इसकी महंगाई पता है दूसरी क्या है? एक बार आपने खेत में एक कट्टा यूरिया डाल दिया तो अगली बार 2 कट्टा डालना पड़ेगा, 2 बोरे डालना पड़ेगा, और एक बार 2 बोरे पड़ गया तो अगली बार 3 बोरे डालना पड़ेगा, एक बार 3 पड़ गया तो फिर 4 डालना पड़ेगा, हर बार बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, खर्चा बढ़ता जाता है। और मालूम है रासायनिक खाद बहुत गर्म होता है, गर्म रासायनिक खाद यूरिया डीएपी आप डालते हैं, मिट्टी पूरी चटक जाती है गर्मी के कारण, तो पानी ज्यादा देना पड़ता है। गोबर की खाद लगा के खेती करें तो गेहूं की फसल लेने में 3 पानी लगता है, यूरिया डीएपी डालकर अगर गेहूं की खेती करें तो 5-6 बार पानी लगाना पड़ता है, पानी का खर्चा बढ़ जाता है, और पानी का खर्चा बढ़ेगा तो पानी तो जमीन में से ही निकालना पड़ता है, जमीन से ज्यादा पानी निकाल के आप खेतों में डालते रहेंगे तो पानी का तल नीचे 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 होता चला जाता है। पहले पानी 25-30 फुट पे मिलता था, अब पानी 900 फुट तक नहीं मिलता खेतों में। तो किसानों को समझाइए कि यूरिया डालने से बड़ा भारी नुकसान है, एक तो हर साल खाद की मात्रा बढ़ानी पड़ती है, खर्चा बढ़ता है, दूसरा हर साल पानी की मात्रा बढ़ानी पड़ती है, वो खर्चा बढ़ता है, और जहां पानी निकालने के लिए बिजली नहीं है वहां डीजल पंप चलाना पड़ता है तो डीजल का खर्चा बढ़ता है, और डीजल कभी भी महंगा होता रहता है। एक जमाने में 7 रुपए लीटर मिलता था डीजल, अब 35 रुपए लीटर, 2-4 दिन के बाद ये 40 रुपए लीटर होने जा रहा है, फिर हो सकता है साल डेढ़ साल में 100 रुपए लीटर हो जाए, किसान कहां जाएगा, मर जाएगा वो तो डीजल का खर्चा करते करते। और फिर एक और नुकसान होता है कि ये यूरिया डीएपी जब हम खेत में डालते हैं तो मिट्टी में ये केमिकल घुल जाते हैं, और मिट्टी में घुल गए तो पौधे की जड़ में आ जाते हैं, पौधे की जड़ से पौधे के तने में आ जाते हैं, पौधे के तने से पौधे के फल में आ जाते हैं, पौधे के फल में आ जाते हैं तो फिर वही फल हम खाते हैं, हमारे शरीर में आ जाते हैं, और हमारे शरीर में अगर ये जहर आ गया तो हमारी माताएं तो पूतना हो जाती हैं। आपने पूतना की कहानी सुनी? कृष्ण भगवान को जहर पिलाने के लिए आई थी। आज हमारी माताओं के दूध में जहर आ चुका है अपने अपने बच्चों के लिए, वो पूतना की स्थिति में है। आज हमारे देश की कई संस्थाओं ने माताओं के दूध का परीक्षण करवाया है तो माताओं के दूध में वो सारे केमिकल हैं जो यूरिया में है, माताओं के दूध में वो सब केमिकल हैं जो कीटनाशक दवाओं में है, क्योंकि भोजन हम कर रहे हैं, भोजन के साथ वो शरीर में जा रहे हैं, और यही केमिकल हैं जो आपको कैंसर पैदा करवा रहे हैं,
जो आप में डायबिटीज दे रहे हैं, जो आप में हाई ब्लड प्रेशर दे रहे हैं, हाइपरटेंशन दे रहे हैं, 148 किस्म की बीमारियां इन जहरों से पैदा होती है। इसलिए किसानों को समझाओ कि ये यूरिया डीएपी का जहर एक तो विदेशी है, ये बंद करो। दूसरा, ये शरीर को नुकसान देता है, इसलिए बंद करो। तीसरा, ये पैसे का नुकसान करता है, इसलिए बंद करो। तो किसान पूछेंगे भाई क्या करें, तो उनसे कहो गोबर का खाद डालो। अब किसान क्या पूछेगा आपको, सबसे पहले वो कहेगा गोबर के खाद से तो उत्पादन नहीं होता। तो उससे कहो गोबर के खाद से भी उत्पादन बहुत अच्छा होता है, यूरिया डीएपी से जितना नहीं होता उससे तो ज्यादा गोबर के खाद से होता है। मैं तो पिछले 12-13 साल किसानों के बीच में काम करता रहा महाराष्ट्र और कर्नाटक में। आप आइए वहां देखिए, हजारों हजारों किसानों ने यूरिया डीएपी बंद करके गोबर का खाद डालना शुरू किया है। और जिस किसान के यूरिया डीएपी के खेत में एक एकड़ में 20 से 25 मीट्रिक टन गन्ना होता था, आज उस किसान के खेत में गोबर का खाद डालने से 90 से 100 मीट्रिक टन गन्ना हो रहा है, कम नहीं होता है। जिन किसानों के खेत में यूरिया डीएपी डालने से एक एकड़ में 12 क्विंटल गेहूं होता था, आज उनके खेत में गोबर का खाद डालने से 20 से 22 क्विंटल गेहूं हो रहा है। जिन किसानों के खेत में यूरिया डीएपी डालने से एक एकड़ में 2.5 क्विंटल कपास होती थी, आज उन किसानों के खेत में गोबर का खाद डालने से 7 क्विंटल एकड़ का कपास हो रही है। ऐसे एक नहीं, हजारों किसान है महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, थोड़ा अगर चलेंगे तो छत्तीसगढ़ में बहुत किसान है। 12 साल मैंने बहुत काम किया किसानों के बीच जा जाके उनको ये सब सिखाया। गोबर की खाद से उत्पादन ज्यादा मिलता है यूरिया डीएपी की तुलना, क्यों मिलता है वो जानना चाहिए। बहुत बहुत बढ़िया बात है, जो आप जान लो तो आप किसानों को समझा सकते। गोबर की खाद जब हम खेत में डालते हैं तो होता क्या है, गोबर जो है ना कई तरह के जीव जंतुओं का भोजन है, यूरिया जो है वो भोजन नहीं जहर है। आपके खेत में एक जीव होता है जिसको केंचुआ कहते हैं। केंचुआ को किसी दिन पकड़ना और हाथ पे रखना और उसके ऊपर यूरिया डाल देना, दो चार दाने ही यूरिया डालोगे वो तड़पना शुरू हो जाएगा और एक मिनट में मर जाएगा। हम जब खेत में टनों टन यूरिया डालते हैं ना, करोड़ों केंचुए मार डाले हमने यूरिया डाल के। और केंचुए क्या करते हैं, केंचुए मिट्टी को नरम बनाते हैं, पोला बनाते हैं और उपजाऊ बनाते हैं। केंचुए का काम क्या है, ऊपर से नीचे जाना, नीचे से ऊपर आना, पूरे दिन में वो 3 चक्कर नीचे ऊपर के लगाता है, नीचे जाएगा फिर ऊपर आएगा, फिर नीचे जाएगा फिर ऊपर आएगा। अब केंचुआ जिंदा है तो नीचे जाएगा फिर ऊपर आएगा। केंचुआ जब नीचे जाता है तो एक रास्ता बनाते हुए जाता है, ऊपर आता है तो दूसरा रास्ता बनाते हुए आता है। तो परिणाम क्या होता है कि ये छोटे छोटे छिद्र जब मिट्टी में वो केंचुए तैयार कर देता है तो बारिश का पानी इन्हीं छिद्रों में से नीचे एक एक बूंद नीचे रिसते हुए तल में जमा होता है। माने वॉटर रिचार्जिंग का दुनिया में सबसे जबरदस्त काम कोई करता है तो केंचुआ करता है, और यूरिया के कारण ये मर जाता है। इसलिए यूरिया डालना माने किसान के लिए आत्महत्या करने के बराबर है। जिस किसान के खेत में यूरिया डलेगा केंचुआ मर जाएगा, केंचुआ मरा तो मिट्टी में ऊपर नीचे कोई जाएगा नहीं, तो मिट्टी कठोर होती जाएगी, कड़क होती जाएगी। मिट्टी और रोटी के बारे में एक सत्य है कि इसको फेरते रहो नहीं तो खत्म हो जाती है। रोटी को फेरना बंद करो जल जाती है, मिट्टी को फेरना बंद करो पत्थर जैसी हो जाती है। मिट्टी को फेरने का मतलब समझते हैं, ऊपर की मिट्टी नीचे, नीचे की मिट्टी ऊपर, ऊपर की नीचे, नीचे की ऊपर, ये केंचुआ ही करता और कोई नहीं कर सकता। केंचुआ तो किसान का सबसे बड़ा दोस्त है। मैंने इसका हिसाब निकाला था, एक केंचुआ साल भर अगर जिंदा रहे तो 36 मीट्रिक टन मिट्टी को उठक पटक कर देता है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, एक केंचुआ साल भर में। और उतनी ही मिट्टी को ट्रैक्टर से उलट पलट करना पड़े तो कम से कम 100 लीटर डीजल खर्च होता है, और 100 लीटर डीजल 3600 रुपए का आता है। माने एक केंचुआ हर आदमी का 3600 रुपए बचा रहा है। ऐसे करोड़ों केंचुए हैं, पता सोचो कितने हजार करोड़ रुपए बच रहे हैं इस देश। इसलिए गोबर का खाद डालने से फायदा क्या होता है, रासायनिक खाद डालो केंचुआ मर जाता है, गोबर का खाद डालो केंचुआ जिंदा हो जाता है, क्योंकि गोबर केंचुए का भोजन है। केंचुए को भोजन मिले तो वो अपनी जनसंख्या बढ़ाता है, और इतनी तेज बढ़ाता है कि कोई नहीं बढ़ा सकता। भारत सरकार कहती है हम दो हमारे दो, केंचुआ नहीं मानता उस बात को।
एक एक केचुआ 50-50 हजार बच्चे पैदा करके मरता है, 50-50 हजार। एक जाति का केचुआ तो मैंने देखा 1 लाख पैदा करता है बच्चे, तब मरता है। तो वो एक जिंदा है, उसने 1 लाख पैदा कर दिया, अब वो एक एक लाख पैदा करेंगे, करोड़ों केंचुए हो जाएंगे अगर गोबर डालना शुरू किया। और केंचुए ज्यादा होंगे तो मिट्टी फिर उलट पलट होने लगेगी, मिट्टी में छिद्र बनने लगेंगे, तो बारिश का जितना भी पानी गिरेगा सब मिट्टी में आ जाएगा, और पानी मिट्टी में गया तो नदियों में बेकार नहीं बहेगा, तो बाढ़ नहीं आएगी, तो समुद्र में फालतू पानी नहीं जाएगा, इस देश का करोड़ों करोड़ों रुपए का फायदा हो जाएगा। इसलिए आप किसानों को समझाओ गोबर की खाद डालो। फिर कुछ किसान कहेंगे जी उत्पादन होगा क्या, उनसे कहना गारंटी मेरी, गारंटी भारत स्वाभिमान ट्रस्ट की। थोड़े दिन में भारत स्वाभिमान ट्रस्ट की तरफ से हम किसानों को कहेंगे कि आप बिंदास गोबर की खाद डालो, गारंटी हमारी 1 ग्राम भी उत्पादन कम नहीं होगा। कैसे कम नहीं होगा, डालने का तरीका है। डालने का तरीका क्या है, अभी किसान गोबर कैसे डालते हैं, गोबर डालते हैं वो घूरा है, घूरा गांव में कचरा डालने का, वहां गोबर इकट्ठा करते हैं, 6 महीने 8 महीने साल भर वो सूखता रहता है, और सूख सूख के उसकी सारी ताकत निकल जाती है, फिर वो सूखा हुआ गोबर हम डालते हैं, इससे उत्पादन ज्यादा नहीं आता। गोबर को हमेशा गीला डालना चाहिए, ताजा डालना चाहिए। गोबर को अगर पानी में घोल के डालो ना तो वही 3 गुना ज्यादा फायदा करता है। तो किसानों को यह समझाओ कि गोबर को सुखा के खेत में ना डालें, उसको पानी में घोल के डालें। तो कैसे घोलेंगे पानी में, उसका फॉर्मूला लिख लो आप, और जो जो गांव में जाने वाले कार्यकर्ता है ये सब किसानों को आप बोलो कितना गोबर डालना है, कितना पानी उसमें मिलाना है, कितने बीघे के लिए काम में लाना है उसको। अब आपको मैं एक मोटी सी बात बता देता हूं, एक एकड़ माने 2.5 बीघा, 5 बीघा नहीं 2.5 बीघा। तो एकड़ 2.5 बीघे का हिसाब जोड़कर बताता हूं, एक किसान को एक बार में 1 एकड़ फसल के लिए कितना गोबर डालना पड़ेगा, गीला करके डालेंगे तो 10 किलो गोबर, बस 10 किलो गोबर, 10 किलो गोबर, फिर से सुन लो 10 किलो, ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, 100 किलो नहीं, 10 किलो गोबर 1 एकड़ के लिए डालना कैसे, लिख लो 10 किलो गोबर। फिर इसमें चाहिए 10 लीटर मूत्र, जिस जानवर का गोबर उसी का मूत्र, गाय का गोबर तो गाय का मूत्र, भैंस का गोबर तो भैंस का मूत्र, बैल का गोबर तो बैल का मूत्र। अब आप बोलोगे गोबर तो इकट्ठा कर लेंगे, मूत्र कैसे इकट्ठा करें, जानवर जो मूत्र देते हैं ना, जहां पे आप जानवरों को रखते हो वहां पे पत्थर वत्थर लगा के एक छोटी सी नाली बना लो और उसमें ढाल लगा दो, जितना भी वो पेशाब करेंगे वो नाली में आ जाएगा, नाली के आगे खड्डा खोद दो वो सारा उसमें जमा हो जाएगा, फिर वो ले लो। और मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूं, जानवरों के मूत्र की कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल 20 साल 50 साल खराब ही नहीं होता, तो चिंता करने की बात ही नहीं है। तो इकट्ठा होता रहेगा खड्डे में, डालते रहो। तो 10 किलो गोबर, 10 लीटर मूत्र, ठीक है। फिर इसमें मिलाना है लगभग 1 किलो गुड़, आधे से 1 किलो गुड़ तो आप सब जानते हो, एक तो गुड़ होता है जिसको आप खा लेते हो, एक तो गुड़ ऐसा होता है जिसको जानवर खा लेते हैं, और एक गुड़ ऐसा होता है जिसको कोई नहीं खा सकता, गीला गीला पुराना पुराना काला काला, वो गुड़ खेत के बहुत काम का है। जो सबसे घटिया गुड़ है जिसको ना जानवर खा सकते हैं ना आपका, वो खेत के लिए बहुत काम का है। तो वो गुड़ ले लो आधे से 1 किलो, गोबर हो गया, मूत्र हो गया, गुड़ हो गया। अब इसमें लगभग 1 किलो डालना है दाल का आटा, दाल है ना, दाल, अरहर की दाल, मूंग की दाल, उड़द की दाल, चने की दाल, सोयाबीन की दाल, खेसारी की दाल, कोई भी दाल, 1 किलो उसका आटा। 4 चीजें हो गई, गोबर, गोमूत्र, गुड़, दाल का आटा। और इसमें डालनी है 1 मुट्ठी मिट्टी, 1 मुट्ठी में 0.5 किलो या 0.25 किलो तक मिट्टी आती है। मिट्टी कहां से लानी है, आपके खेत के आसपास अगर पीपल का कोई पेड़ है, बरगद का कोई पेड़ है, तो उसके नीचे से खोद लो मिट्टी,
पीपल के पेड़ के नीचे की या बरगद के पेड़ के नीचे की? पीपल और बरगद के पेड़ के नीचे की ही मिट्टी क्यों खोदना? आपको मालूम है पीपल और बरगद के पेड़ हर समय ऑक्सीजन देने वाले पेड़ हैं, और ज्यादा ऑक्सीजन देने वाले पेड़ के नीचे जीवाणुओं की संख्या बहुत होती है, तो पीपल और बरगद के पेड़ के मिट्टी में जीवाणु सबसे ज्यादा होते हैं, यही जीवाणु खेत को चाहिए। तो मिट्टी ले ली, पांच चीजें हो गई, गोबर 10 किलो, मूत्र 10 लीटर, गुड़ लगभग 1 किलो, दाल का आटा 1 किलो और मिट्टी लगभग 1 किलो, ये पांचों चीजों मिला दो, घोल दो, हाथ से घोल लेना, खराब नहीं होंगे हाथ, नहीं तो डंडे से घोल देना, एक ड्रम में घोल लेना, प्लास्टिक के ड्रम में घोल लेना, नहीं तो लोहे के ड्रम में घोल लेना, प्लास्टिक का होगा तो अच्छा, लोहे वाला क्षरण ज्यादा होता है। अब इसको घोल के 15 दिन रख देना, 15 दिन रख देना, घोलने में तकलीफ आए तो थोड़ा पानी मिला देना, ज्यादा मत मिलाना, थोड़ा ही मिलाना, घोल के 15 दिन रख देना, 15 दिन के बाद यह खाद तैयार हो जाएगा। इस खाद में क्या होगा, करोड़ों करोड़ों सूक्ष्म जीवाणु पैदा हो जाएंगे, वो जो मिट्टी डाली ना, मिट्टी के जीवाणु अगर 1 लाख हैं तो 15 दिन में वो 100 करोड़ से ज्यादा हो जाएंगे। ढक के रख लो तो अच्छा है, छांव में रखना सबसे अच्छा, धूप में बिल्कुल मत रखना, पेड़ के नीचे की छांव में रखना, नहीं तो कोई ऐसी जगह रखना जहां सूर्य का प्रकाश ना आता हो, और इस पे कपड़ा बांध दो, ढक्कन लगा दो, जैसे है ढक लो। अब ये 15 दिन में तैयार हो गया, इसमें करोड़ों जीवाणु तैयार हो गए। अब ये जीवाणु घोल, इसको जीवाणु घोल कहते हैं, इसको खेत में डालना है, डालने से पहले इसमें पानी मिलाना है, और पानी कितना मिलाना है, जितना गोबर था उसका 10 गुना पानी, 10 गुना कम से कम, 100 लीटर पानी, 10 किलो गोबर तो 100 लीटर पानी, और ज्यादा से ज्यादा पानी मिला सकते हैं तो 200 लीटर, तो 100 से 200 लीटर पानी मिला लिया। अब ये पूरा परफेक्ट घोल हो गया, इसको 1 एकड़ के खेत में छिड़कना है, जैसे पानी छिड़कते हैं ना मिट्टी दबाने के लिए, ऐसे ही छिड़कना है बस। आप इसको छिड़क देंगे तो ये करोड़ों जीवाणु मिट्टी में पहुंच जाएंगे, तो मिट्टी में जीवाणुओं की संख्या बढ़ती जाएगी, और मिट्टी में सारा खेल खेलने का काम जीवाणु करते हैं। आपको मालूम है जीवाणु क्या करते हैं? जीवाणु सारा काम करते हैं, पौधे की जड़ को नाइट्रोजन की जरूरत है तो ये जीवाणु उपलब्ध कराते हैं, पौधे की जड़ को कैल्शियम चाहिए तो ये जीवाणु उपलब्ध कराते हैं, पौधे की जड़ को आयरन चाहिए तो ये जीवाणु, माने पौधे को बड़ा होने के लिए जितने भी सूक्ष्म पोषक तत्व चाहिए और फिर वो हमारे शरीर में वास्तव में चाहिए, वो सब इन जीवाणुओं की करामात से ही मिलता है। तो पौधे की जड़ को भरपूर सूक्ष्म पोषक तत्व मिलने लगेंगे, पौधे की बढ़त बहुत तेज होगी, और जिस पौधे की बढ़त अच्छी होगी उसका फल अच्छा होगा, जिसका फल अच्छा होगा उसका उत्पादन अच्छा होगा। अब इसमें समय लिख लो, कितनी बार डालना, कब डालना। सबसे अच्छा तरीका यह होता है कि खेत को जब जोतने की तैयारी करें ना, जोतें, बीज डालने से पहले खेत जुताई होती है ना, खेत जुताई करते ही 1 दिन डाल दो, आज जुताई किया कल डाल दो, जुताई करके डाल दो, यह पहली बार ठीक है। फिर इसके डालने के 2-3 दिन बाद या 4 दिन बाद या 5 दिन बाद बुआई कर दो। है कितना डाल सकते हैं बताए ना, 1 एकड़ में जितना तैयार हुआ 200 लीटर वो, तो आपने इसको जोत के 1-2 दिन में डाल दिया, फिर बीज बो दो, बीज बोने के 21वें दिन में फिर डाल देना, आज बीज बोया तो ठीक 21 दिन बाद एक बार फिर डाल देना। क्या होता है ना, बीज में से अंकुरण होता है और अंकुरण होने के 21वें दिन तक वो मिट्टी की ताकत से बढ़ता है, फिर 21 दिन के बाद वो सूर्य की ताकत से बढ़ना शुरू हो जाता है, फोटोसिंथेसिस जिसको कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, सूर्य ताप से खाना बनाना शुरू कर देता तो बढ़त तेज हो जाती है। तो और आप मोटी सी एक बात याद रखो कि हर 21वें दिन पर डाल देना, आज डाला 21 दिन बाद डाला, फिर 21 दिन बाद डाला, फिर 21 दिन बाद डाला, तो एक फसल अगर आप समझ लो 4 महीने की है तो लगभग 5 बार डालना पड़ेगा, कोई फसल 6 महीने की है तो 7-8 बार डालना पड़ेगा, 8 महीने की है तो 10-11 बार डालना पड़ेगा। अब इसमें खर्चा क्या है, जानवर अगर घर के हैं तो गोबर फोकट का, मूत्र फोकट का,
गुड़ मैं कह रहा हूं सबसे सड़ा हुआ जिसको फेंक देते हैं वो भी फोकट में मिल जाएगा, पानी तो फोकट का है ही, थोड़ा दाल वाल लेना पड़ेगा तो उसका खर्चा आएगा, लेकिन किसान अगर दाल पैदा करता है तो वो भी घर की हो जाएगी, माने खाद बनाने का खर्चा लगभग शून्य आएगा, मेहनत लगेगी, पूंजी में पैसा कम से कम खर्च होगा। और ये खाद जो तैयार होगी इसमें जबरदस्त क्वालिटी है, क्योंकि इसमें कैल्शियम भरपूर, आयरन भरपूर, फास्फोरस भरपूर, क्या क्या इसमें है, गोबर है, गोबर में कैल्शियम है, आयरन है, सल्फर है, सिलिकॉन है, कोबाल्ट है, मैग्नीशियम है, मैग्नीज है, 18 सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जो चाहिए मिट्टी को। फिर गुड़ है, गुड़ में जबरदस्त फास्फोरस है, गुड़ में जबरदस्त कैल्शियम है, फिर मूत्र में ये सब है, तो जो सूक्ष्म पोषक तत्व हमें चाहिए वही मिट्टी को चाहिए, वो सब इस खाद में भरपूर है, यूरिया में नहीं है, डीएपी में नहीं है, यूरिया में कैल्शियम नहीं है, डीएपी में कैल्शियम नहीं है। और कैल्शियम सबसे प्रमुख आधार है मिट्टी के लिए, क्योंकि खेत में कैल्शियम होगा तो पौधे में होगा, पौधे में होगा तो फल में होगा, फल में होगा तो भोजन में होगा, भोजन में होगा तो शरीर में होगा, शरीर में होगा तो हड्डियां मजबूत, हड्डियां मजबूत तो शरीर मजबूत, ये सारा साइकिल इसी कैल्शियम के उस पर है। तो ये तो गोबर की खाद से ही मिलेगा, यूरिया डीएपी से मिलने ही वाला नहीं है। तो किसान को ये समझाइए आप। अब आपको समझ में आ गया हर 21 दिन में डालना है, जबरदस्त फसल आएगी। पहली बार जब आप डालोगे ना तो किसान थोड़ा झिझक करेगा, उसको भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो उसको कहना कि भाई तुम डालो, नुकसान तुम्हारा नहीं होगा। मैंने बहुत किसानों का हिसाब निकाला है, खराब से खराब खेत में जब गोबर का खाद डालते हैं ना तो गेहूं का उत्पादन पहले साल की तुलना में थोड़ा ही कम आता है, लेकिन उत्पादन जितना कम आता है उससे ज्यादा खर्चा बच जाता है, तो वो बराबर मामला बैठता है। हम यूरिया डीएपी में खर्चा करते हैं हजारों रुपए का तब उत्पादन लेते हैं, यहां खर्चा ही नहीं है, थोड़ा उत्पादन कम भी हुआ तो फायदा ही है, नुकसान कुछ नहीं, इसलिए किसी किसान का नुकसान नहीं। और दो तीन साल लगातार आपने डाल दिया तो उत्पादन बढ़ना शुरू हो जाता है, लगातार बढ़ता है, और 10-12 साल में तो कई खेत ऐसे हैं जहां उत्पादन सीधे डबल हो जाता है, 100% की बढ़ोतरी हो जाती है। नहीं नहीं छानने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही डालो, उसमें जितना कचरा है सब खेत में जाने दो, क्योंकि कचरे में जीवाणुओं की संख्या और तेजी से बढ़ेगी, छानने की जरूरत नहीं है। अब आप डालोगे कैसे ये प्रश्न है, तो उसके लिए चार विधि है। पहली विधि यह है कि सीधे डब्बा लो और छिड़काव करो खेत पे, भरो और छिड़क दो, भरो और छिड़क दो। अब कहोगे जी खेत बहुत बड़ा है ये तो नहीं चल सकता, तो दूसरा तरीका बताता हूं, खेत में पानी लगाते हैं ना, पानी में डाल दो, नाली में से पानी जा रहा है ना, एक टंकी में भर के ये खाद रख दो, उसमें नल लगा दो, टोटी खोल दो, टपक टपक पानी में गिरता रहेगा, खेत में चला जाएगा, ये दूसरा तरीका। तीसरा तरीका यह है कि अगर किसी के घर में जानवरों की संख्या ज्यादा है तो गोबर ज्यादा होगा उसके पास, तो थोड़ा सा गोबर तो इसमें इस्तेमाल हुआ, बचे हुए गोबर का क्या करेंगे, तो बचा हुआ गोबर अगर सूखा है तो उसको इसी में डाल देना 15 दिन के बाद 200 लीटर पानी मिला के, तो वो गोबर भी गीला हो जाएगा, गीले गोबर के लड्डू बना लो और लड्डुओं को खेत में फेंक दो तो खाद पहुंच जाएगा। और एक तरीका है, खेत में से मिट्टी खोद लो, मिट्टी खोद लो, मिट्टी में ये पूरा घोल मिला दो, मिट्टी गीली हो गई, मिट्टी के लड्डू बना लो, लड्डुओं को खेत में फेंक दो तो खाद पहुंच जाएगा। तो पानी के साथ दे सकते हैं, छिड़क के डाल सकते हैं, गोबर या मिट्टी को लड्डू बना के डाल सकते हैं। और एक आखिरी तरीका है, स्प्रे मशीन अगर अपने पास है तो उसका आगे से नोजल निकाल दो, नोजल निकाल दो, फिर उससे स्प्रे कर दो। अब इसमें ध्यान ये रखना है कि ये फसल पे स्प्रे नहीं होगा, ये जमीन पे होगा, मिट्टी पे होगा। फसल पे डालने से फायदा नहीं मिलेगा, मिट्टी में डालना है इसको। तो अगर फसल ऊंची है तब कैसे डालेंगे, तब तो पानी लगाओगे तभी डालना सबसे अच्छा है। इसमें एक तरीका यह है कि खेत का मुहाना होता है ना जहां से पानी घुसता है, वहां एक आदमी को बिठा दो डब्बा लेके, पटक पटकता रहेगा, उसमें पानी के साथ जाता रहेगा और पानी के साथ पूरे खेत में बराबर मात्रा में जाता है और रिजल्ट उसका सबसे अच्छा आता है। और एक तरीका है इसको डालने का, अगर आपके घर में गोबर का वो बनाते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, कंडा कहते हैं, उपला कहते हैं, क्या कहते हैं, कंडा उपला जो भी कहते हैं, उसको जलाते हैं, जलाने के बाद राख निकलती है ना, वो राख इकट्ठी कर लो
और ये घोल और राख मिला दो और फिर लड्डू बन जाएंगे, फिर खेत में छिड़क दो, तो इसका तो जबरदस्त उत्पादन आता है। क्योंकि जो राख है ना, इसमें कई केमिकल अतिरिक्त हैं जो गोबर और गोमूत्र से भी ज्यादा है। तो ये तरीका समझ में आ गया। हर 21 दिन पे डालेंगे, 4 महीने की फसल है तो 5-6 बार डालना पड़ेगा, 6 महीने हैं तो 7-8 बार, इसी तरह से पूरी खेती होती रहेगी। गोबर किसी भी जानवर का, गाय का हो, भैंस का हो, बैल का हो, बकरी बकरे का हो, गधे घोड़े का हो, हाथी ऊंट का हो, कोई भी हो, सब चलेगा। मूत्र भी किसी जानवर का, ठीक है, और आधा आधा मिले तो वो भी चलेगा। गाय का आधा ले लिया, भैंस का आधा, किसी के पास गाय नहीं हो, किसी के पास भैंस नहीं हो, एक एक गाय एक एक भैंस और खेत बड़ा है, तो आधा आधा सब मिक्सिंग करके चलेगा। बस एक ही सावधानी रखना कि जो जो गाय का गोबर लो तो वो देशी गाय हो तो अच्छा होगा, जर्सी का फायदा पूरा नहीं करेगा। और जर्सी का ही गोबर है तो उसमें देशी का मिला लेना, नहीं तो कोई फायदा नहीं करेगा। जर्सी गाय है, उसका गोबर है, उसमें देशी गाय का 1-2 किलो गोबर मिला लेना, वो वैसे ही काम करता है जैसे 100 किलो दूध में 1 चम्मच दही डालो तो पूरा दूध दही हो जाता है, वैसे ही 100 किलो जर्सी गाय के गोबर में 1 किलो देशी का डाल दो तो देशी गाय के जीवाणु अपनी संख्या अपने आप बढ़ा लेते हैं। और धीरे धीरे मेरी बात मानो तो जर्सी गाय बेचते जाना, देशी लेते जाना, क्योंकि ये जर्सी गाय के दूध में दम नहीं है। आपको मालूम नहीं है, दुनिया में भारत को छोड़कर जर्सी गाय का दूध कोई देश नहीं पीता। डेनमार्क में सबसे ज्यादा जर्सी गाय है, डेनमार्क वाले दूध ही नहीं पीते। क्यों नहीं पीते? कैंसर होने की संभावना है जर्सी गाय के दूध से, घुटनों का दर्द तो तुरंत हो जाता है, बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं। और जर्सी गाय को एक खतरनाक बीमारी होती है, मैड काउ डिसीज, उस बीमारी के चक्कर में दूध भी उसका प्रदूषित होता है, इसलिए जर्सी का दूध दुनिया में कोई नहीं पीता। डेनमार्क की सरकार तो दूध ज्यादा होने पर समुद्र में फिकवा देती है। आपको सुनकर हैरानी होगी, डेनमार्क में दूध बहुत है, चाय बिना दूध की पीते हैं सबके सब, क्योंकि वो दूध उनको खराब लगता है। तो जर्सी गाय बेच के देशी लेते जाना, भैंस हो तो उसका तो चल जाएगा, बैल का चल जाए। अब एक आखिरी चीज और बता दूं, उसको आप लिख लो, ये तो हुआ खाद। अब किसान कहेगा कीड़ा लग गया, तो कीड़ा लग सकता है ना, तो उसका भी एक फॉर्मूला लिख लो। कीड़ा अगर लगता है, कीट लगता है, तो उसकी दवा भी हम खुद बना के छिड़क सकते हैं, पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं। कीड़ा मारने की दवा कैसे बनेगी? 20 लीटर जानवरों का पेशाब ले लो, गाय का, बैल का, भैंस का, 20 लीटर, ठीक है, ये 1 एकड़ के लिए बता रहा हूं। फिर इसमें 2.5-3 किलो नीम के पत्ते की चटनी डाल देना, नीम के पत्ते की चटनी, नीम का पत्ता है, पीस के चटनी बना के डाल देना 2.5-3 किलो। और आंकड़ा देखा है, आंकड़ा, आंकड़ा के पेड़ के पत्ते की भी चटनी डाल देना 2.5-3 किलो। आंकड़ा, आंख कहते हैं, आंख, कुछ लोग अकौआ कहते हैं उसको, आंख, आंकड़ा, अकौआ, हाँ वही जो हनुमान जी पे चढ़ाते हैं जिसमें सफेद सफेद दूध निकलता है। और एक तीसरा पत्ता है, सुनो सुनो भाई, एक तीसरा पत्ता है बेशरम। बेशरम जो है ना, अक्सर गांव में घुसते हैं ना तो दोनों तरफ किनारे किनारे लगा रहता है पान के जैसा पत्ता, बैगनी रंग का फूल आता है, उसमें ना खुशबू होती है ना कुछ होता है, बिना पानी के बिना बीज के होता है, इसलिए बेशरम कहते हैं। तो 2-2.5 किलो ले लो। और एक पत्ता है आपके गांव में अगर मिले तो, सीताफल का पत्ता, शरीफा जिसको कहते हैं, सीताफल शरीफा, उसका पत्ता 2-2.5 किलो ले लो। और अगर गांव में मिल जाए ना तो वो घास आती है ना, कांग्रेस घास, उसको चटनी बना के डाल दो 2-2.5 किलो। और इसमें थोड़ा सा खूब तीखी लाल मिर्च हो, हरी मिर्च हो तो वो पीस के डाल दो 250-300 ग्राम, लहसुन पीस के डाल दो 0.5 किलो के करीब, गाजर घास, वही वही,
और मैं आपको एक मोटी सी बात बताता हूं, वो याद रखो, जिन जिन पत्तों को गाय नहीं खाती, फिर से सुनो, जिन जिन पत्तों को गाय नहीं खाती और आपके गांव में उपलब्ध है, वो सब पत्ते पीस के डाल दो इसमें, गाय को खिला के देख लो, खा रही है तो नहीं डालना, नहीं खा रही है तो पीस के डाल देना इसमें। मोटी बात याद रखो। तो तीन चार तरह के पत्ते डाल दिए, थोड़ा लहसुन डाल दिया, थोड़ा मिर्ची डाल दी, 20 लीटर मूत्र में डाल के इसको उबालना है, गर्म करना, उबाल के ठंडा कर लो, ठंडा करके 200 लीटर पानी मिला दो, अब ये दवा तैयार हो गई, कीटनाशक, इसको स्प्रे कर दो किसी भी फसल पे, तो 48 घंटे माने 2 से 3 दिन में सारे कीट खत्म कर देता है, एक पैसे का खर्चा नहीं होता, बाजार से कुछ नहीं लाना पड़ता। ये हर फसल में काम आता है, गेहूं में, चावल में, चने में, दाल में, मटर में, गन्ने में, हर तरह की फसल में ये उपयोग हो सकता है। तो कीटनाशक दवा बनाने का आपको मालूम, खाद बनाने का आपको मालूम, अब यूरिया, डीएपी और एंडोसल्फान गांव गांव से हमें बंद कराना है, 4,80,000 करोड़ रुपए किसानों का बचाना है, 2,32,000 करोड़ रुपए शहर वालों का बचाना है, ये दोनों मिला दें तो करीब 7-8 लाख करोड़ रुपए देश का हम बचा सकते हैं स्वदेशी आंदोलन की ताकत से। और बाहर से जो इंपोर्ट हो रहा है करीब 7 लाख करोड़ का, अगर पक्के स्वदेशी वाले लोग हो जाएं तो इंपोर्टेड चीजें भी बंद हो सकती हैं, 14 लाख करोड़ का फायदा, माने इतना बड़ा फायदा हम पूरे देश को दे सकते हैं अपने स्वदेशी आंदोलन और अभियान से। इसलिए स्वदेशी आंदोलन और अभियान को गांव गांव जाके चलाना है, और आपको इसके लिए उस जमाने में लोकमान्य तिलक ने जैसा परिश्रम किया, महात्मा गांधी ने जैसा परिश्रम किया, विपिन चंद्र पाल ने जैसा परिश्रम किया और क्रांतिवीरों ने जैसे परिश्रम किया, वैसा ही परिश्रम आपको करना है, ताकि क्या होगा, जैसे आज हम लोकमान्य तिलक का नाम याद रखते हैं अपने देश के लिए, अपनी सभ्यता के लिए, अपनी आजादी के लिए, वैसे ही आपका नाम आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी इस देश के दूसरे स्वदेशी आंदोलन के लिए। ऐसा कहकर मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूं।